दोस्तों आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी एक किन्नर से बात हुई थी, उसने अपने बारे में बताया, सारी जानकारी दी कि मैं कैसे सेक्स करता हूँ। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं, किसी जाति और धर्म से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं। ये वीडियो केवल जानकारी के पर्पस से बनाया जाता है। कोई भी लोग इसको अपने दिमाग पर मत ले जाइएगा, ये जानकारी के लिए वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल देहाती कहानी। में आप सभी लोगों का हार्दिक में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सभी किन्नरों की मैं बात नहीं करता हूं, जिस किन्नर से मेरी बात हुई थी उस किन्नर ने मुझे बताया। सबसे पहले मैंने उस किन्नर से पूछा, ये बताइए किन्नर, क्या मादा अलग, नर अलग होते हैं, स्त्री अलग होते हैं? तब उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ, किन्नर में जैसे स्त्री पुरुष में दो जातियाँ होती हैं, स्त्री अलग होती हैं, पुरुष अलग होती हैं, ऐसे ही किन्नर में नर अलग होते हैं, पुरुष अलग होते हैं। तो उसने कहा, मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम किन्नर हो? तब उसने कहा, जब मैं स्कूल में जा रही थी, बच्चों के साथ लड़कियों जैसा मेरा व्यवहार था, क्योंकि मैं स्त्री किन्नर हूँ। तब मुझे 8 साल की उम्र में पता लगा था कि मैं किन्नर हूँ। मैं बच्चों के साथ रहती थी, खेलती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होती गई, मैंने अपना समाज छोड़ दिया, मैं किन्नर समाज में आ गई। क्योंकि किन्नर भी एक होना अभिशाप है, क्योंकि ये भी एक विकलांग का दृश्य है। देखा जाए अगर आपका अंगूठा कट जाता है तो विकलांग घोषित कर दिए जाते हो, लेकिन ये तो भी भगवान का बनाया हुआ शरीर है। जो पूर्ण अंग मेरा विकसित नहीं है तो मैं तो भी विकलांग की कैटेगरी में आऊँगा, किन्नर ने बताया। तो उसने बताया, मैंने उससे कहा, तो आप लोगों की क्या इच्छा चलती है? तो कहता है, बिल्कुल, अगर मैं एक काम नहीं करूं तो मेरे शरीर में उलझन हो जाएगी, गर्मी होगी, झजराट होगी, इसलिए मुझे भी अपनी गर्मी को शांत करना पड़ता है। तब मैंने पूछा कि आप तो किन्नर हो तो कैसे गर्मी शांत करते हो? तब उसने बताया, देखिए, जो जैसे मैं स्त्री किन्नर हूँ और स्त्रियों के मुकाबले उनकी योनि होती है, बाकायदा उसमें जो उनका पुरुष होता है वो सारा काम कर सकता है जो एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है, लेकिन मैं स्त्री किन्नर हूँ इसलिए पुरुष मेरे साथ वो काम नहीं कर सकता है जो स्त्री के साथ कर सकता है, क्योंकि मेरी जो योनि होती है उसमें केवल टॉयलेट के इतना ही छेद होता है, ज़्यादा छेद नहीं हो सकता है, इसलिए कोई नहीं कर सकता है। तब मैंने उससे पूछा, फिर आप गर्मी कैसे शांत करती हो? तब उसने कहा, क्योंकि मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बता रही हूँ और किन्नर के बारे में, जो मैं अपने आप को बीता वो बता रही हूँ। जैसे स्त्री भी एक अपने मर्द से शादी करती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने एक दोस्त को रखती हूँ, एक पुरुष को रखती हूँ, ये नहीं आज इसको छोड़ा उसको, एक ही पुरुष रहता है उसके साथ। हम मेरे अंदर भी उत्तेजना उत्पन्न होती है जब सब कुछ होता है, उसके बाद में मेरे तो अंग विकसित ही नहीं है लेकिन गर्मी तो है। मैं अपने पीछे से डलवा लेती हूँ, कौन कहता है, किन्नर कहता है, पीछे से डलवा लेती हूँ, क्योंकि पुरुष को भी पीछे से आनंद आता है, कहता है कि पीछे से टाइट है, आगे से कहते हैं औरतों के मुताबिक कि 10-5 बार करने के बाद में, बच्चा होने के बाद में योनि बताते हैं ढीली हो जाती है, इसलिए उतना आनंद नहीं आता है। इसलिए किन्नर खुद कह रहा है कि पुरुष को पीछे से आनंद आता है।
इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी काटता हूँ, इस तरीके से मैं ये काम करता हूँ, किन्नर ने खुद बताया। इसीलिए किन्नर कहते हैं, मुझे तो गर्मी इसलिए शांत करनी पड़ती है, नहीं तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। कहते हैं 22 साल के बाद ये भी काम ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी होता है। ये मुझे किन्नर ने अपने बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी के पर्पस से वीडियो बनाया जाता है, कोई भी इसे अपने ऊपर ना ले। दोस्तों, एक किन्नर ने मुझे बताया कि किन्नर ये काम कैसे करता है। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।